Hello all, a very warm good morning to all of you. So today we will be covering the backlog of 17th of November newspaper. So there are 4 to 5 news that we need to cover in this session, which are important for us. So some of the news that we'll be studying today is periodic labor force survey, liberalized remittance scheme of RBI, voice of global south, audit divas, gig workers report, Geo Financial Services Directors, and so on and so forth. I hope you are getting immensely benefited from my session. So if yes, kindly watch it every day in order to understand the concepts much better and get a good score in any of your banking or the regulatory bodies examination. I hope that is clear. So without wasting any further time, I would like to introduce myself. So my name is Rahul Gopulwar and I'm your faculty for general awareness. So let's begin with our first news. First news is about the periodic labor force survey. Periodic labor force survey में कुछ data provide किया गया है. वहाँ पे ये बताया गया है कि regular jobs जो होते हैं, उसमें जो social security benefits दिए जाने चाहिए, वो अभी दिए तो जा रहे हैं, पर कम दिए जा रहे हैं. ऐसा क्यों है वो हम देखेंगे. पहले तो ये समझ लो रेगुलर और सैलराइड जॉब्स मतलब क्या होता है. रेगुलर और सैलराइड जॉब्स मतलब ऐसे जॉब्स जहां पे कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होती है. वो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि आप हमारे साथ इतने साल के लिए जुड़े हुए हो या फिर आप हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हो, आपकी सैलरी इतनी है, आपको हम इतना पेंशन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको इतना पीएफ प्रोवाइड करेंगे, हम आपको इतना इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होता है, उसमें ये सारी की सारी चीजें मेंशन की जाती है. ठीक है. सो रेगुलर और सैलराइड जॉब्स मतलब ऐसे जॉब्स जिनका कोई फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है. ठीक है. जैसे आप बैंक्स में जॉब कर रहे हो, दैट इज फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, दैट इज अ रेगुलर जॉब और अ सैलराइड जॉब. अगर आप आरबीआई में काम कर रहे हो, अगेन दैट इज अ रेगुलर जॉब. अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, अगेन दैट इज अ सैलराइड जॉब. अगर आप कोई कंपनी के पेरोल पे हो, अगेन दैट इज अ सैलराइड जॉब. ठीक है. अभी नॉन सैलराइड जॉब को हम क्या बोलते हैं या फिर नॉन रेगुलर जॉब को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गिग जॉब्स. उसको हम बोलते हैं गिग जॉब्स. ठीक है. जैसे क्या यार, जो ठेले वाले होते हैं जो सब्जी बेच रहे हैं, दैट इज नोन एज अ गिग जॉब, क्योंकि उनका कोई ना एम्प्लॉयर थोड़ी ना होता है. ठीक है. So that is a gig job. अगर कोई स्ट्रीट फूड बेच रहा है, उनका तो नहीं ना कोई फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है, that is a gig job. कोई होटल में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, उनका थोड़ी ना कोई फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है, so that is a gig job. अगर कोई फैकल्टी है जो फ्रीलांसिंग कर रहा है एक कोचिंग के पास, तो दैट इज ऑल्सो ए गिग जॉब, क्योंकि उनके बीच में भी कोई ऐसा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. ठीक है. तो दैट इज ऑल्सो ए गिग जॉब. तो ऐसे जॉब्स जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, दैट इज नोन एज गिग जॉब्स, या फिर हम उनको प्लेटफॉर्म जॉब्स भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो रेगुलर और सैलराइड जॉब्स है, वहां पे जो सोशल सिक्योरिटी है वो कम कम होते जा रही है. ऑब्वियसली आप बैंक में काम कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, पेंशन दिया जा रहा है, इंश्योरेंस दिया जा रहा है. ठीक है. आप कंपनीज में काम कर रहे हो तो आपको इंश्योरेंस दिया जा रहा है और पीएफ दिया जा रहा है. दिस इज सम ऑफ द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. तो ये दिए ही जाने चाहिए. बट आजकल क्या किया है, कंपनीज ने ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स कम देना कर दिया है. लोगों को कम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दे रहे हैं. और कोई कोई कंपनीज तो ऐसे है अपना फेक डेटा प्रोवाइड कर रहे गवर्नमेंट को, जिसके वजह से ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को वो बचा सके. तो क्या होगा यार, कंपनी को अगर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना ही नहीं पड़ेगा, तो जो उनकी इंश्योरेंस की कॉस्ट है जो उनको एम्प्लॉयज को देनी पड़ती है वो बच जाएगी, पीएफ की कॉस्ट है जो उनको खुद के जेब से देना पड़ता है वो भी बच जाएगी. तो इसलिए ये जो कंपनीज है अपने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को कम दे रहे हैं या फिर दे ही नहीं रहे हैं. तो ये कैसे कर सकते हैं लीगली, लीगली नहीं कर सकते हैं. ये बेसिकली क्या करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल एक्स वाई जेड कंपनी है,
वहां पे अगर 20 एम्प्लॉयज है, वो एक्स वाई जेड कंपनी में अगर 20 एम्प्लॉयज है, तो एक्स वाई जेड कंपनी को मैंडेटरीली पीएफ कंट्रीब्यूशन देना ही देना पड़ेगा वो 20 एम्प्लॉयज का टू देयर पेरोल और टू द गवर्नमेंट. ठीक है, एक्स वाई जेड में अगर 20 एम्प्लॉयज है तो 20 एम्प्लॉयज को पीएफ देने का जिम्मेदारी वो एक्स वाई जेड कंपनी का है ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये चीज मैंडेटरी कर दी है. चल तो अभी सिचुएशंस क्या होते हैं रियल लाइफ में. कोई कंपनी में ना 25 लोग काम कर रहे हैं, ये एक्स वाई जेड कंपनी है, वहां पे 25 लोग काम कर रहे हैं. तो ये एक्स वाई जेड कंपनी गवर्नमेंट को बोलती है, नहीं नहीं हमारे यहाँ पे 25 नहीं है, हमारे यहाँ पे ना अभी 19 लोग ही काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बोल के उन्होंने क्या किया, अपना जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो बचा दिया. ठीक है, तो ऐसे फेक फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करके गवर्नमेंट को वो अपने ऐसे पीएफ कंट्रीब्यूशन को बचा रहे हैं. एंड सेम इज द केस फॉर अदर स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स आल्सो, अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आल्सो. आई होप क्लियर है बहुत अच्छी तरह से. चलो तो अभी हम डेटा देखते हैं. डेटा क्या बोला है यार, जो सैलराइड जॉब्स में जो लोग एम्प्लॉयड है, जो लोग एम्प्लॉयड है उनका पॉपुलेशन कम हो गया है. पहले सैलराइड जॉब्स में कितने लोग थे, 21% लोग, पहले 23% लोग हुआ करते थे बिफोर द पैंडेमिक. अभी कितने लोग है, 21%. अभी कितने लोग है, 21%. चलो, और वो 21% में से ना ऐसे लोग है जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिया ही नहीं जाता है. तो ऐसे कितने लोग है यार, 54% ऐसे लोग है जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं दिया जाता है. पहले ये कितना फिगर था, 52% फिगर था 5 years ago. ठीक है, और एक उन्होंने डेटा प्रोवाइड किया है एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड है. ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, वही हमारे इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत है. ठीक है, जहां पे सबसे कम सैलरी मिलती है वहां पे लोग सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड है, तो यही हमारे इंडिया की दिक्कत है. तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट शॉर्ट अप फ्रॉम 42% इन 2018-19 टू 46% इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 22-23. चल, एक डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड वर्कर किसको बोलते हैं हम, ऐसा वर्कर जो कंपनी के प्रोडक्टिविटी में कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड. ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 10 लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे एक फार्मर के पास. ठीक है, सो वहां पे 10 लोग काम कर रहे तो 100 kg ऑफ वीट निकल रहा है. चलिए, तो वो फार्मर ने बोल दिया, वो फार्मर जो भी लोगों को एम्प्लॉयड कर रहा है उसने बोल दिया, हम एक और बंदे को हायर करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है. वो 100 kg से हमें 120 kg वीट निकालना है ड्यू टू द डिमांड. तो एक लोगों को हायर कर लिया, बट फार्मर ने देखा कि यार 2-3 महीने के बाद भी ना हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन निकल रहा है, वो 100 kg निकल रहा है. ठीक है, तो ये जो एक बंदा एम्प्लॉयड किया गया उसका कुछ रोल है क्या, कुछ रोल नहीं है. उसके वजह से कुछ प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन बढ़ा है क्या, कुछ प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी है. तो इसीलिए ऐसे एक एम्प्लॉय को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड बोलते हैं. सो ऐसा बंदा जो प्रोडक्टिविटी में कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है उसको हम डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड वर्कर बोलते हैं. ये चीज आप ESI के अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे. चलिए, और क्या बोला है यार, ये जो रेगुलर जॉब्स में ना सोशल इंश्योरेंस नहीं दिया जा रहा है, इंश्योरेंस नहीं दिया जा रहा है, तो कितने लोगों को इंश्योरेंस नहीं दिया जा रहा है, 57% ऑफ द वीमेन जो एम्प्लॉयड है उनको सोशल इंश्योरेंस नहीं दिया जा रहा है, और मेन के लिए ये फिगर है 53%. आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर, आई एक्सप्लेन यू इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. एक बार फिर से आप गो थ्रू कर लो, हर एक चीज मैंने यहाँ पे बताई है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये रेगुलर और सैलराइड जॉब्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं, कंपनी अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं, ये तक मैंने आपको बताया. सो एक बार प्लीज एक बार और से गो थ्रू कर लेना. चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. ये स्कीम बेहद इंपॉर्टेंट है.
क्योंकि आरबीआई के फॉरेक्स चैप्टर का ये पार्ट है। ठीक है, तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, यहां पे बोला गया है आरबीआई ने कि जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है ना, वो बाहर के कंट्री में अप टू 250,000 यूएस डॉलर सेंड कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, किस तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं 250,000 के अंदर? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस मतलब क्या यार? चल, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस मतलब वो अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए पेमेंट्स करना चाहते हैं तो उसके लिए वो स्पेंड कर सकते हैं। अगर अपने फ्रेंड को इंडिया से पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे वो कर सकते हैं, दैट इज रेमिटेंस कर सकते हैं। रेमिटेंस इज नथिंग बट द पेमेंट ट्रांसफर। ठीक है, किसी को गिफ्ट्स देना चाहते हैं बाहर के कंट्री में वो कर सकते हैं। अगर ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें वो कर सकते हैं। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस मतलब क्या यार? आपको बाहर के कंट्री के स्टॉक्स खरीदने हैं, दैट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, और क्या करना है आपको? बाहर के कंट्री में आपको एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाना है, या फिर आपको घर खरीदना है। ठीक है, या फिर लेट्स से आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में दो चीजें आती है, एक तो आप स्टॉक्स खरीदोगे बाहर के कंट्रीज में जाके, या फिर आप एफडीआई करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आती है। बट यहाँ पे ये याद रखना है आपको, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर ये जो 250,000 पर फाइनेंशियल ईयर की ये जो लिमिट है, बस रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए ही है। ठीक है, तो इसमें ये लिमिट में आपके कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, एचयूएफ्स और ट्रस्ट शामिल नहीं होते हैं। ये लिमिट कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, एचयूएफ्स और ट्रस्ट पे लागू नहीं होती है, जो चीज आपको याद रखना है। ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कब आई थी? 2004 में आई थी, फरवरी 4, 2004। पहले लिमिट्स कितने थे? 25,000 यूएस डॉलर्स। यार पहले इतने कम थे, अभी अचानक इतने क्यों बढ़ा दिए? रीजन है यार, क्या रीजन है? अभी आपको पहले यूएसए घूमने जाना था। ठीक है, तो आपको 25,000 रुपए में आप 10 दिन आराम से यूएसए में रह के आ सकते थे, वहां की फूड एंजॉय कर सकते थे और सारी चीजें कर सकते थे, आज से 20 साल पहले या 15 से 20 साल पहले। पर वही अभी 25,000 यूएस डॉलर में आप ये सारी चीजें कर सकते हो क्या? 10 दिन रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते हो ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो अभी आरबीआई ने बोला है 25,000 से क्या होगा ये लोगों का, हमें लिमिट इंप्रूव करना है। कितने की लिमिट कर दिया है उन्होंने? इसलिए 250,000 यूएस डॉलर में। तो अभी अगर आप 250,000 यूएस डॉलर लेके जा रहे हो, उस पैसे में आप 10 दिन यूएसए में घूम सकते हो। तो ये चीज इंप्रूव क्यों की है, ये चीज इंक्रीज क्यों की गई है? बाय कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन फिगर्स, बाय कंसिडरिंग द महंगाई। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, एंड दिस इज एन एग्जांपल, जो 25,000 10 दिन का मैं बता रहा हूँ, 250,000 में 10 दिन का बता रहा हूँ, दैट इज एन एग्जांपल। चलो, ये जो रेसिडेंट इंडिविजुअल ये फैसिलिटीज किसके लिए यूज कर सकते हैं? यार प्राइवेट विजिट्स टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। तो नेपाल और भूटान के अलावा आप कोई भी कंट्री में जा रहे हो, प्राइवेट विजिट कर रहे हो, तो उस केस में ये 250,000 एप्लीकेबल है। आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, डोनेशन देना चाहते हो बाहर की कंट्री में, वो चीज भी एप्लीकेबल है। आप बाहर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, उस केस में भी ये लिमिट्स है। इमिग्रेशन, आप दूसरे कंट्री में परमानेंटली सेटल होना चाहते हो, उसके लिए भी 250,000 हमारी कंडीशन है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, यार आपके मॉम डैड बाहर कंट्री में और आप इंडिया में हो, या फिर आपके कजिन्स यूएसए में और आप इंडिया में हो, तो उसके लिए भी आप 250,000 यूएस डॉलर एक फाइनेंशियल ईयर में स्पेंड कर सकते हो। आप बिजनेस ट्रैवल के लिए जा रहे हो, आप एक कंपनी के ट्रैवल के लिए जा रहे हो, उस केस में भी ये लिमिट लागू होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहे हो, उस केस में भी ये लिमिट है। स्टडीज बाहर, फॉरेन एजुकेशन, हायर एजुकेशन करने जा रहे हो आप, उस केस में भी 250,000 की लिमिट अप्लीकेबल होती है। चलिए, तो यहाँ पे डेटा आया हुआ है कि रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स। तो यहाँ पे आरबीआई ने बोला है
कि अप्रैल टू सितंबर क्वार्टर, ये 2023-24 का जो क्वार्टर था उसमें जो आउटवर्ड रेमिटेंस हुए है ना वो बढ़ गए हैं। आउटवर्ड रेमिटेंस, इंडिया से बाहर कंट्रीज में कितना पैसा भेजा गया है, दैट इज आउटवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस, इंडिया में कितना पैसा आया है बाहर के कंट्रीज से, दैट इज इनवर्ड रेमिटेंस। तो आरबीआई ने बोला आउटवर्ड रेमिटेंस बढ़ गया है ये अप्रैल टू सितंबर के क्वार्टर में 2023-24 में। कब से बढ़ गया है? पिछले पिछले साल के अप्रैल टू सितंबर के क्वार्टर से बढ़ गया है। चलो तो डेटा देख लेंगे। सो अकॉर्डिंग आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर द स्कीम इंक्रीज बाय 26% टू 9.23 बिलियन US डॉलर इन द सेकेंड क्वार्टर फ्रॉम 7.32 इन क्वार्टर टू ऑफ 22-23। सो पिछले साल के क्वार्टर में, अप्रैल टू सितंबर के क्वार्टर में, इट वाज 7.32 एंड नाउ इट इज 9.23 बिलियन US डॉलर। सो दैट हैज बीन इंक्रीज बाय 26.09%। चलिए ये अभी इंक्रीज ही क्यों हुआ है समझना चाहिए। COVID-19 के रेस्ट्रिक्शंस हो गए, लोगों ने ट्रैवल करना बहुत चालू कर दिया, लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, दैट इज प्राइवेट विजिट्स पे जा रहे हैं, और लोग बिजनेस ट्रैवल भी कर रहे हैं। कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज को बाहर भेज रही है फॉर द बिजनेस पर्पस, ठीक है, फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट। चलिए तो इसके वजह से आउटवर्ड रेमिटेंस भी बढ़ गए हैं। ऑब्वियसली आप बाहर के कंट्री में जा रहे हो तो आप यूएस डॉलर स्पेंड करोगे, या फिर आप जापनीज येन स्पेंड करोगे, या फिर आप स्विस फ्रैंक यूज करोगे, आप कोई ना कोई तो फॉरेन करेंसी यूज करोगे ना। बाहर कंट्री में घूमने के लिए जा रहे हो, वो पर्टिकुलर कंट्री में घूमने जा रहे हो, तो आप फॉरेन करेंसी यूज करोगे। तो इसके लिए इंडिया से बाहर बहुत ज्यादा पेमेंट्स चले गए हैं इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस। उसी के साथ क्या यार, टैक्सेशन रूल्स चेंज हो गए हैं, उसी के चलते भी इस साल हमारे ज्यादा रेमिटेंस हुए हैं आउटवर्ड रेमिटेंस। टैक्सेशन रूल्स से कैसे इंपैक्ट हो रहा है, मान के चलो आप 100 रुपीज, 100 रुपीज में नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, या फिर 100 US डॉलर ले लो, 100 US डॉलर। पहले ना 100 US डॉलर पे आपको 5% ही टैक्स देना पड़ता था। आप 100 US डॉलर स्पेंड कर रहे हो बाहर के कंट्री में तो 5% ही आपको टैक्स देना पड़ रहा था। कितना टैक्स दे रहे हो? 5 रुपीज एक्स्ट्रा बस आप पे कर रहे हो। अभी वही लिमिट आरबीआई ने कितनी कर दी है, गवर्नमेंट ने कितनी कर दी है, 20%। तो पहले आप 5 रुपए दे रहे थे, अभी वही टैक्स आपको 20% देना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, इंडिया से बाहर के कंट्रीज में ज्यादा पेमेंट्स जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन उन्होंने बढ़ा दिया है, सिंपल एज दैट। चलिए, सो इन सितंबर इंडियंस रेमिटेड 3.5 बिलियन ओवरसीज कंपेयर टू 2.67 बिलियन इन सितंबर 2022। सितंबर का डेटा बताया गया है, ऊपर वाला जो मैंने डेटा बताया दैट इज ऑफ क्वार्टर टू, और ये जो डेटा है सितंबर का डेटा है। ये जो सितंबर मंथ में सबसे ज्यादा किस चीज की वजह से आउटवर्ड रेमिटेंस हुए है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल। चलो ये जो टैक्सेशन के रूल्स नए अप्लीकेबल होने वाले हैं वो कब से होने वाले हैं, अक्टूबर 1, 2023 से, जो कि हो गए है। चलिए, सो टैक्सेशन रूल्स में क्या चेंज हुआ है ये चीज पता होना चाहिए। चलो क्या है कि यार, अगर आप पहले ना इंडिया से बाहर पैसा भेज रहे थे किसी भी रीजंस की वजह से, आप इमाइग्रेंट कर रहे हो, आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, या फिर आप बिजनेस ट्रैवल के लिए जा रहे हो, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, किसी को डोनेशन दे रहे हो, तो उस केस में पहले जो आपको टैक्स लगता था 5% लगता था, अभी टैक्स कितना लगने वाला है, 20% लगने वाला है। ये कौन से ट्रांजेक्शन पे लगेगा, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन पे ये 20% का अभी टैक्स लगेगा फ्रॉम अक्टूबर 1, 2023। बट इसमें दो एक्सेप्शंस है, अगर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो और आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको 20% नहीं लगेगा, ठीक है। पहले तो ये चीज समझ लो, अगर आप बाहर के कंट्रीज में अप्रोक्सीमेटली 8433 US डॉलर अगर स्पेंड कर रहे हो तो उस केस में आपको ये 20% देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, तो ही जाके ये लिमिट्स है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या मेंशन किया है कि अगर आप इंडिया में से 7 लाख से ज्यादा का पैसा बाहर भेज रहे हो, बाहर कंट्री में भेज रहे हो, तो जाके आपको 20% लगेगा। तो 7 लाख रुपीज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8433 US डॉलर एट द करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। आई होप इट इज क्लियर। चल सो यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन के लिए 20% है, बट एक्सेप्शन है उसमें एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो क्या एक्सेप्शन है,
ये देखो ये एक्सेप्शन है। अगर आप किसी आपके एजुकेशन के लिए आप अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो तो वहां पे तो आपको टैक्स कितना पे करना है, 0.5%, दैट्स इट। बट आप अगर खुद के लिए खुद का पैसा यूज करके फॉरेन एजुकेशन करना चाह रहे हो तो उसमें आपको टैक्स लगेगा 5%। ठीक है, बैंक लोन लेके आप फॉरेन एजुकेशन कर रहे हो दैट इज 5%, खुद का पैसा यूज कर रहे हो दैट इज 5%, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप खर्चा कर रहे हो बाहर के कंट्री में जाके दैट इज अगेन अ 5%। बट ये सारी लिमिट्स कब अप्लीकेबल होने वाली है, व्हेन द ट्रांजैक्शन एक्सेड 7 लाख रुपीस। ठीक है, चलिए, आई होप दैट इज क्रिस्टल क्लियर। थर्ड ऑडिट दिवस, ये ऑडिट दिवस कौन सेलिब्रेट किया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने। ऑडिट दिवस कब मनाया जाता है, 16th of November। ऑडिट वीक कब था, 16 to 23rd of November के बीच में ऑडिट वीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट का फर्क क्या होता है, इस पे ना LIC ADO में सवाल आया था। ठीक है, LIC ADO के मेंस में सवाल आया था। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इसका काम क्या होता है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करना। मतलब क्या, वो ये देखता है कि गवर्नमेंट को इनकम कितना आया है और एक्सपेंस कितना हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो अपने इनकम एक्सपेंस शीट में मेंशन करता है, वो अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेंशन करता है, और उसका ये भी काम होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का क्या काम है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करना, दैट इज इनकम एक्सपेंस को ध्यान में रखना, उसको रिकॉर्ड करना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का नाम काम क्या होता है, उसमें नाम ही लिखा हुआ है ऑडिटर जनरल, तो ये जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स है उनको ऑडिट करने का काम ये आपके CAG का होता है, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सवाल क्या आया था LIC ADO मेंस में कि गवर्नमेंट के जो ऑडिट्स करते हैं, गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स को मेंटेन करता है वो कौन करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स करता है या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है, और बाकी सारे दो ऑप्शंस अलग थे। मुझे वो ऑप्शंस में नहीं जाना है क्योंकि मेरा मेन फोकस ये है। सो आपका आंसर रहना चाहिए था कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसी के साथ हम नेक्स्ट चीज पे बात करेंगे, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ मतलब क्या यार, ऐसे नेशंस जहां पे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जहां पे बहुत ज्यादा कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वहां पे बहुत कम गरीबी है, वहां पे वो कंट्रीज का बहुत कम GDP है, ऐसे नेशन को आप ग्लोबल साउथ नेशंस बोलोगे। ऐसे नेशंस जहां पे बहुत कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जहां पे बहुत कम उसका GDP है, उसको आप ग्लोबल साउथ नेशंस बोलोगे। और ऐसे नेशंस जहां पे बहुत कम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जैसे जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे लो लेवल ऑफ इकोनॉमी है और लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, सो सच काइंड ऑफ नेशंस वी कॉल्ड इट एज अ ग्लोबल साउथ। चल, तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ मतलब क्या, ये इंडिया का इनिशिएटिव है। इंडिया बोलता है ऐसे हमें लो GDP वाले कंट्रीज के लिए, ये ग्लोबल साउथ वाले कंट्रीज के लिए हमें आवाज उठानी है, वॉइस उठानी है। क्यों वॉइस उठानी है, क्योंकि उन लोगों का डेवलपमेंट हो, ऐसे कंट्रीज का डेवलपमेंट हो। क्योंकि इंडिया का ऐसा ही एजेंडा है कि यार पूरे वर्ल्ड में ना शांति का माहौल होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में ना पॉवर्टी कम होनी चाहिए, तो इसलिए इंडिया चाहता है कि हर एक बंदा खुश रहे। इसीलिए वो चाहता है कि ये जो ग्लोबल साउथ नेशंस है वहां की भी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाए। अगर वहां की इकोनॉमी इंप्रूव हो जाए तो ऑब्वियसली वहां के जो लोग भी है वो खुशी से रह सकते हैं, क्योंकि उनको अच्छी खासी इनकम मिलने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। चलो, सो ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंडिया ने अभी इनिशिएटिव लिया है एक कंट्री के साथ मिलके, वो किस बेसिस पे लिया है, ये इंडिया के इनिशिएटिव को मद्देनजर में रखते हुए। कौन सा इंडिया के इनिशिएटिव, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्रूव करना है ऐसे नेशंस का जहां पे जिसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा लो है। ठीक है, सो इंडिया ना सेकेंड एडिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का। कब कर रहा है, 17th of November को कर रहा है। ठीक है, पहला एडिशन का हुआ था, पहला एडिशन कब हुआ था, 12th और 13th जनवरी को हुआ था 2023 में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस में ना 8 सेशंस होने वाले हैं,
आठ सेशंस में क्या क्या फोकस पॉइंट्स होंगे हमारे, क्या क्या फोकस एरियाज होंगे हमारे, फोकस एरियाज होंगे फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, एनर्जी, ट्रेड एंड एनवायरनमेंट, ये हमारे सारे के सारे फोकस एरियाज है। टीवीएस मोटर्स ने ना पार्टनरशिप कर ली किसके साथ, एमिल फ्रे के साथ। अभी ये एमिल फ्रे क्या है यार, ये यूरोप का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इंपोर्टर और रिटेलर है। तो टीवीएस मोटर क्या करेगा, टीवीएस मोटर भी यही चीज करेगा, क्या करेगा, ऑटोमोबाइल को इंपोर्ट करेगा और यूरोप में वो सेल करेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंट्रीज मिलेंगे, ऑटोमोबाइल बाहर के कंट्रीज से इंपोर्ट करेंगे और यूरोप में सेल करेंगे। दैट्स इट। ये जो ईमेल फ्रे है कहाँ की कंपनी है, ये ज्यूरिस बेस्ड कंपनी है। ज्यूरिस कहाँ पे आता है, ज्यूरिस इज अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड। आरबीआई ने ना रिसेंटली अप्रूव किया है तीन लोगों को टू बी एज द डायरेक्टर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन कौन तीन लोग है, ईशा मुकेश अंबानी, अंशुमन ठाकुर एंड हितेश कुमार सेठिया। थर्ड है हमारा गिग वर्कर्स, गिग वर्कर्स के बारे में हमने आपको बताया है। तो एक प्लेटफॉर्म है पिक माई वर्क, उसने ये रिपोर्ट पब्लिश की हुई है। ऐसी रिपोर्ट क्यों पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा आरबीआई फेज वन 2023 में कि कुछ भी रिपोर्ट्स पूछे जा रहे हैं, आईएमएफ का पूछ रहे, वर्ल्ड बैंक का पूछ रहे, आरबीआई का, एसबीआई का रिपोर्ट पूछते तो ठीक है यार, बट कुछ भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन का भी रिपोर्ट पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए। सो गिग प्लेटफॉर्म पिक माई वर्क है, उन्होंने गिग वर्कर्स के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि गिग वर्कर्स का जो इनकम है ना बढ़ गया है, ये साल उनका जो इनकम है ना बढ़ गया है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। कितना बढ़ गया है, 48% बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि लोग जो है उनके सर्विसेज की डिमांड कर रहे थे। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई गिग वर्कर है जो डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर है, तो फेस्टिवल सीजन में देखा गया कि यार डिजिटल मार्केटिंग ना बहुत ज्यादा जरूरी थी। क्यों, क्योंकि अपने ई कॉमर्स को, अमेजोन फ्लिपकार्ट को अपने बारे में एडवर्टाइजमेंट करना था, ज्वेलर्स को अपने बारे में एडवर्टाइजमेंट करना था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अपने बारे में एडवर्टाइज करना था, म्यूचुअल फंड्स को अपने बारे में एडवर्टाइज करना था। तो इसकी वजह से ये जो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का जो सैलरी था ना वो बढ़ गया है, दैट इज गिग वर्कर का सैलरी बढ़ गया है। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि यार फैकल्टी है, एक फैकल्टी है, एक फैकल्टी को एक ऑर्गेनाइजेशन ने ना हायर किया ऑन द फ्रीलांसिंग रोल। उनको बोल दिया यार दिवाली की छुट्टियां है, बट दिवाली की छुट्टियों में ना जो स्टूडेंट्स होते हैं वो घर पे ही होते हैं, तो उस केस में आप क्या करो कि दिन में 12 घंटा लेक्चर ले लो। ऑब्वियसली अगर 12 घंटा कोई लेक्चर ले रहा है तो उसकी सैलरी भी जो होगी वो अच्छी कर देगा वो पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये फ्रीलांसर्स की डिमांड बढ़ गई है ये फेस्टिवल सीजन, ऐसा उनका बोलना है, और जिसके वजह से उनकी अर्निंग्स इंप्रूव हो गई है। ये जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग और फैकल्टीज का एग्जाम्पल दिया है, दैट इज अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। ठीक है, एक्टिव फीमेल वर्कर्स ऑन द प्लेटफॉर्म ग्रू 105% इन अ ईयर। ठीक है, और इसके फाउंडर, को फाउंडर और सीईओ कौन है, विद्यार्थी बद्दी रेड्डी। कौन, विद्यार्थी बद्दी रेड्डी। इफ यू लाइक दिस सेशन काइंडली डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडे सेशन। वी हैव कवर्ड द बैकलॉग्स ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज दैट हैज बीन पोस्टेड इन द बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर ऑफ 17 नवंबर। तो ये कुछ ही न्यूज मैंने कवर की है 17 नवंबर की, बाकी जो भी सारी न्यूज है आपको अगर देखना है तो आप मेरा 17 नवंबर का वीडियो देख सकते हो। ये कुछ न्यूज इसलिए रह गई थी क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड ने उस दिन अपने न्यूज़पेपर में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज डाली हुई थी, तो इसलिए ये न्यूज हमारी रह गई थी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़िए, वहां पे मैं इम्पॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहता हूँ लेक्चर्स के बारे में, मैं ब्लॉग्स डालते रहता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं एमसीक्यूज हर शाम या हर रात को डालते रहता हूँ, ताकि आप आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के गेम में आगे रह सको बाकी सारे एस्पिरेंट्स से, बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स से। आई होप यू लाइक दिस सेशन।
kindly do let me know in the comment section. Your comments are much more valuable to me right now because I have recently started this initiative on the eve of Lakshmi Pujan, that is around 7 to 8 days back. So your comments matters to me a lot. Thank you so much. But before leaving forward, kindly read the quote that have been written. Give your 120% every single day. If you do that, then you are not answerable to anyone. Forget about anyone. You will not be answerable to yourself. And that is the most interesting thing. Chalo, thank you so much. I hope you liked it. My name is Rahul Kopulwar. I'll be seeing you in the tomorrow's session.